सो गाइस, तो कभी ना कभी आपके साथ यह जरूर हुआ होगा, आपने प्लेलिस्ट बनाई सॉन्ग्स की और आपने उसको एनालाइज किया और अब जब भी पार्टी प्ले करने गए आपको पता लगा वो आप सॉन्ग यहाँ पर है ही नहीं। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं क्या राइट वे है सॉन्ग को एनालाइज करने का, हमें क्या रेंज को सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि आप कोई रिमिक्स ऐसे बने होते हैं जिनका इंट्रो सेक्शन और आउट्रो सेक्शन की जो स्पीड रहती है, जो पीपीएम रहता है, वह फास्ट रहता है, बट जब उसका मिडिल पोर्शन आप देखेंगे उस सॉन्ग का या रिमिक्स का, तो आपको ऐसा लगेगा कि वह स्लो प्ले हो रहा है। तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो मल्टीपल पीपीएम है हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और डायनेमिक एनालिसिस क्या है। इसके अलावा हम की भी देखेंगे और फ्रेज परफॉर्म को आप किस तरह से एड कर सकते हैं ट्रैक में। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजेएल, पर आपको स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो चलिए हम देखते हैं क्या राइट वे है एनालाइज करने का और क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की। आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जेनर है, टेक, टेक्नो, आरएनबी, हिप हॉप और बॉलीवुड पंजाबी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड की। तो जैसे कि हमें कोई भी सॉन्ग को यहाँ पर एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने पर हम यहाँ पर जाएंगे, एनालाइज ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक पूरी विंडो देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप इसी में ही कन्फ्यूज रहेंगे कि हमें किस रेंज को सिलेक्ट करके हमें एनालाइज करना है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा बॉलीवुड सेक्शन है। तो मैं मोस्टली जो मेरी जनरल मेरी बात बताता हूँ आपको, तो यदि मैं बॉलीवुड को यहाँ पर एनालाइज करता हूँ और पार्टी सॉन्ग्स हैं, तो मैं उसे एनालाइज करता हूँ 78 to 155 BPM पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं एनालाइज करता हूँ तो यह एनालाइज होने लग जाते हैं, जैसे देख सकते हैं यह आपका यहाँ पर एनालाइजिंग होने लगे हैं। वैसे तो आप यहाँ देखेंगे तो आपके यहाँ सारे सॉन्ग एनालाइज हो चुके हैं, बट अब बात आती है कि मैंने उसी रेंज पर एनालाइज क्यों किया है। तो अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। तो जैसे कि मैं इसे एनालाइज करता हूं सिर्फ सॉन्ग को, ठीक है, और यहां पर जैसे कि मैंने पहले क्या सिलेक्ट किया था, यहां पर 78 to 155, ठीक है, बट इसे मैं यहां पर सिलेक्ट करके मैं इसे एनालाइज करता हूं, तो क्या होगा आप देखिएगा, यहां पर यह एनालाइज होने लगा है सॉन्ग। बट प्रॉब्लम यह आएगी कि यहां पर जो बीपीएम है इसका यहां पर आधा हो जाएगा। यदि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूं तो आप देखिएगा आपको अलग से समझ में जाएगा कि यह ज़्यादा बीपीएम का सॉन्ग है। बट अब बात यह है कि आपने यहां पर एनालाइज किया है कौन से पर, 68 to 135, बट इसका जो BPM है कितना है, 140 है। तो यह इस रेंज पर आएगा, इस रेंज पर आएगा ही नहीं, तो इस पे क्या होगा, इसका जो BPM है आधा हो जाएगा। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और यही प्रॉब्लम कब आती है, जैसे कि आप BPM वाइज यहाँ पर सॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम रहेगी, आप यहाँ पर आपके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग है। अब जैसे कि आप यहाँ पर आते जाएंगे, बट आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सॉन्ग देखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने एनालिसिस किए कि आपका सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। तो यह सारी प्रॉब्लम रहती है कि आप यहां पर सोचते हैं कि मेरे प्लेलिस्ट पर सॉन्ग थे, बट आपने कुछ एनालिसिस इस तरह से करते हैं कि जो सॉन्ग आपका आधा हो जाता है सॉन्ग का BPM और वह ऊपर चला जाता है जब भी आप BPM से क्लिक करते हैं, तो इस बात की प्रॉब्लम आती है और इस कारण आपका सॉन्ग है वह मिस हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एनालाइज करना सॉन्ग को एक रेंज पर करना है। अब मैं आप यहां पूछेंगे, जैसे कि मेरे को बॉलीवुड की तो आपने बता दी है कि यहां पर जो मैं एनालाइज करता हूं 78 से 155 पर करता हूं, बट कहीं यदि आप मुझसे पूछेंगे कि जैसे मेरे पास अलग जेनर हैं, हिप हॉप एंड आरएनबी, टेक एंड टेक्नो या पंजाबी है, तो इस पर भी मुझे यही रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि एनालाइज के लिए, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबकी रेंज अलग होती है। तो आप उससे पूछेंगे हमें किस रेंज में, हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए एक चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह चार्ट एक जनरल रेंज है, आप इस पर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि हिप हॉप आरएनबी है, रैप है, तो आपको यहाँ पर एक जनरल रेंज है। अब मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि परफेक्ट ही है, 59 भी हो सकता है, 111 भी हो सकता है हिप हॉप में, बट एक जनरल रेंज है वह आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। तो 60 to 110 BPM तक आप यहाँ पर रेंज टाइप के रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मेरे पास हिप हॉप है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आपको इस तरह के ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करूँगा तो कौन सी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं 58 से 115 की कर लूँगा। या आप मुझसे बोलेंगे कि थोड़े से मेरे पास हाई BPM के गाने हैं, तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। और वैसे ही हम बात करें यहाँ पर टेक्नो की, तो आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिलती है 130 से 155 तक। तो जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो कुछ आपको इस टाइप की रेंज देखने को मिलती है। अब गाइस इसमें बस इतनी प्रॉब्लम है, जैसे कि टेक्नो के इससे भी हाई हो सकते हैं या इससे भी कम हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको यह प्रॉब्लम आ रही है, तो कभी कभी हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको अलग ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे अपने आप कैसे पता लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो जो टेक हाउस की रेंज की सिलेक्ट है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो एक अलग से ही ट्रैक आपको यहाँ दो देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन दोनों से ट्रैक है इनको सब सुन लीजिएगा। यदि आपको लगती है हाई BPM के गाने हैं, तो जैसे कि आपको लगता है यह 79 BPM का गाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर
जाएंगे। और आप यहाँ पर यह देखेंगे कि 79 से ऊपर का कौन सा आप यहाँ देखेंगे, तो मैंने इसे यहाँ पर एनालाइज किया है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस रेंज में यह आ नहीं रहा है, यहाँ पर 79 पर आ चुका है, मतलब कि यह 155 से भी ज़्यादा का है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 79 से यहाँ पर यह 88 है, ठीक है, 79 से बाहर है। तो आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह एनालाइज यहाँ से ये यहाँ पर चला जाएगा, 158 यहाँ पर इसका BPM है। तो यह सॉन्ग कहाँ चुका है, सबसे नीचे आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं यह 158 यहाँ पर BPM पर आ चुका है। और इसके अलावा भी आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं इसे एनालाइज करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे तो BPM के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है की का ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने पहले से ही एनालाइज करके रखे हैं की भी, बट यदि आपकी की एनालाइज नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे तो इसकी जो की है वह भी एनालाइज हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर यह देखेंगे यह अल्फा न्यूमेरिक में है। यदि आपको इसको क्लासिक मोड पर करना है तो आप जाएंगे व्यू पर और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर क्लासिक और अल्फा न्यूमेरिक। तो आपको यहाँ पर क्लासिक पर क्लिक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं यह क्लासिक पर बदल चुका है। तो इस तरह से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, यदि आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप वहाँ रख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, वह है फ्रेज का। तो इसके लिए एक मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप वेव फॉर्मेट कर सकते हैं यदि आपको चेंजेस करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं यदि आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेक भी कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे डीजेस को यह पता होगा जो बिगनर से, उन्हें यह प्रॉब्लम आती होगी रेंज रिलेटेड। अब जैसे कि हम यहाँ पर सेटिंग पर जाते हैं, एनालिसिस पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एनालिसिस मोड नॉर्मल और डायनेमिक। तो इसमें के डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो जैसे कि एक तो हमारे पास यह सॉन्ग है, ठीक है, जो सिंपल है आपको एनालाइज करना, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। बट जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ सॉन्ग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम प्ले करता हूँ सॉन्ग को, देखना जैसे कि यह चल रहा है सॉन्ग और आप यहाँ पर देखेंगे तो यह स्लो हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे फिर फास्ट हो गया है। तो इस तरह के सॉन्ग हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, तो इस तरह पे हमारा काम आता है डायनेमिक मोड। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने नॉर्मल की जगह में यहाँ पर डायनेमिक मोड को मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ से एनालाइज कर देते हैं। तो जैसे कि एनालाइज हमने कर दिया है, तब आप देखिएगा मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो यह 130 हो गया है। अब आप यहाँ देखिएगा तो 86 हो चुका है। तो यह आपके जैसे ही सॉन्ग चल रहा है उस हिसाब से यह एनालाइज करता रहता है। तो जैसे देख सकते हैं तो यह डायनेमिक मोड है, तो आप यह कब यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कुछ इस तरह का ट्रैक है और आपको यहीं पर ही मिक्स करना है, जैसे कि आपने यहाँ से एक मिक्स कर लिया सॉन्ग तो यह हमारा 130 पे मिक्स होने लगा, ठीक है, बट आप यहाँ सोचेंगे कि मुझे यहाँ मिक्स करना है, तो अब आपको पता नहीं कि यहाँ पर इसकी क्या BPM है। तो आप इस तरह से कभी डायनेमिक रेंज पर आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे तो आप इसे भी पता कर पाएंगे कि यह हमारा 85 BPM 86 BPM का है। तो आप इसे भी यहाँ से मिक्स कर सकते हैं 86 वाले BPM के गाने को। तो मुझे लगता है यह उसके लिए बेस्ट है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो गाइस, तो ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ काम में है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है, और जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे डीजे तक भी पहुँचती है और उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा होता है, और उससे मेरे जो अकाउंट है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसकी रीच भी बढ़ती है, इससे मुझे भी हेल्प मिलती है। तो गाइस, तो यदि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।